ये है हम्पी, जहां पत्थरों से बनाए गए हैं मैजिकल म्यूजिकल पिलर्स। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा, कई हजार एकड़ में फैला, मंदिरों और स्मारकों से भरा एक विशाल परिसर। इन पिलर्स में ऐसे ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जो संगीत बनाने की काबिलियत रखते हैं। हम्पी का विठल मंदिर आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है, जिसे पूरी तरह से लोकल पोर्फिरिटिक ग्रेनाइट से बनाया गया है। आज भी ऐसे कई पिलर्स हैं जिनमें रेजोनेंट प्रॉपर्टीज हैं, और इनकी इसी खूबी की वजह से इन्हें कहते हैं म्यूजिकल पिलर्स। ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर बने इन 56 पिलर्स में कई कॉलम्स हैं। कुछ में तो मूर्तियां भी बनी हुई हैं। और जानते हैं इनमें से गूंजती हुई आवाज क्यों निकलती है? क्योंकि हम्पी के इन पत्थरों में है अनोखे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाले मिनरल्स, जैसे कि ऑर्थोक्लेस। हम्पी की इस खूबी की वजह है इन कॉलम्स के डायमीटर और लेंथ का रेशियो, जो स्ट्रिंग्स की तरह है, जैसे कोई स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट या हार्प। जब एक कॉलम को बजाया जाता है तो उससे निकलने वाली आवाज बढ़ जाती है, और इससे होता यह है कि आवाज और बेहतर सुनाई देती है। इन पिलर्स को 15वीं शताब्दी में बनाया गया था, देवराया द्वितीय के शासनकाल में। कहते हैं यहाँ के देवता विट्ठल को भेंट अर्पण करते हुए इन्हीं पिलर्स के संगीत पर डांस परफॉर्म किया जाता था। वाकई प्राचीन भारत के कारीगरों का जवाब नहीं है। उन्होंने न सिर्फ इन बेहद खास पत्थरों की खूबी को पहचाना, बल्कि रंग मंडप को बनाते वक्त ऐसे पत्थरों को चुना जिनसे बेहतरीन संगीत निकलता है। दुनिया भर में ऐसे पत्थर जिन्हें लिथोफोन्स कहते हैं और भी हैं, जैसे अफ्रीका के रॉक गोंग्स और वियतनाम के ज़ाइलोफोन जैसे दिखने वाले ये इंस्ट्रूमेंट, पर कहीं भी ऐसे म्यूजिकल पिलर्स शायद ही मिलेंगे। अकोस्टिक्स की दुनिया में ये इंडियन ट्रेडिशन का एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है। ये कहना गलत नहीं होगा कि संगीत भारत की मिट्टी में कुछ इस तरह से बसा है कि यहाँ तो पत्थरों से भी सुर निकलते हैं। एंड इट हैपेंस ओनली इन इंडिया।